साल 2012 में मैंने एक वीडियो फिल्म बनाया था। समस्या यह थी कि हमारे गांव में जंगली हाथी अक्सर आकर हमारे घरों को तोड़ देते थे एवं खेतों में खड़े फसलों को खा जाते थे और हमें वन विभाग की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती थी। 20 तारीख रात को लगभग 2 बजे हाथी आया। हाथी आने के बाद दीवार पर लात मारा और दीवार पूरा गिर गया। मेरा पूरा दीवार गिर गया है, बर्बाद हो गया, पूरा खपरा सा पूरा गिर गया, मुर्गी भी दब गया पूरा दीवार से, और 3-4 ठो कुर्सी था वो भी पूरा चकनाचूर हुआ, और साइकिल भी बर्बाद हुआ। अगर हमारे गांव में पर्याप्त मात्रा में टॉर्च होते तो हमारे खेत के फसल एवं घरों में रखे अनाज सुरक्षित रहते, किसी गरीब का घर नहीं टूटता। हम गांव के लोग रोशनी के लिए लंबा बांस का मशाल बनाकर एवं हल्ला कर हाथियों को भगाते हैं एवं कई बार तो हाथियों को भगाने के क्रम में कई लोगों की जान तक चली गई है। मैंने वीडियो फिल्म बनाकर हमारे गांव के लोगों को जागरूक किया एवं कई अधिकारियों को दिखाया और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। जंगली हाथियों से हमें बचाओ, हमें बचाओ, जंगली हाथियों से हमें बचाओ, हमें बचाओ। वन विभाग हाय हाय, वन विभाग हाय हाय, वन विभाग हाय हाय। ऐसे ही सूचना है, उसी दिन हमने राशि उनको देने के लिए चेक कर दिया है, मतलब आप लोगों के खाते में चला जाएगा। तो सर कब तक चला जाएगा? कल परसों में जाना चाहिए आपका। कल सैटरडे है, उस रेंज अब सर आ जाता है, उसके बाद आज उसको बुलवाएंगे और उसको हैंड ओवर उस चेक को करना है। कि इसमें करना क्या है कि आपके खाते में जाएगा तो जो भी आप लोगों का ग्रामीण है उसका बैठक करके निर्णय ले लेंगे कि किस किस चीज़ के लिए, पटाखे के लिए या किस मद में आप निकलवाना चाहते हैं, एक निर्णय ले लेंगे। निर्णय निकाल कर उसकी राशि निकाल करके आप अपना पटाखा खरीद करके उपयोग करेंगे। इसके बाद वो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और हमारे गांव के लिए 10,000 रुपये दिए, जिससे हम हाथियों को भगाने के लिए टॉर्च एवं अन्य सामान खरीद पाए। पैन कार्ड है और आईडी कार्ड है। सही, तो हम सुरक्षा समिति का खाता खोलने आए हैं, बहुत दिन से हाथी परेशान कर रहा है, इसलिए हमको जो सहायता सरकार तरफ से मिल रहा है इसलिए खाता खोल रहे हैं। तो इसमें ये पैसा निकाल के खाते फटाखा वगैरह खाते हैं, टॉर्च वगैरह। देखिए ऐसा है कि इसमें बल्कि हम गांव के लोगों को, आप लोगों को खास करके हम धन्यवाद देंगे, इसलिए कि आप समस्या को हम लोगों के यहाँ तक पहुँचाए आप लोग, और कोई भी समस्या का समाधान के लिए यदि प्रावधान हो तो सरकारी प्रक्रिया के तहत जो है सो उस प्रावधान को दे करके समाधान, समस्या का समाधान किया ही जा सकता है। और ये हम सरकारी विभाग के पदाधिकारियों का ये जिम्मेवारी भी है, कर्तव्य भी है, और हम लोग चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग ऐसी समस्याओं से समय पर हम लोगों को अवगत कराएं, ताकि हम लोग जो उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध प्रावधान है गाँव के लिए, उसको हम लोग सही समय पर दे सके और उसका लाभ गाँव के लोगों को मिल सके। मेरे बनाए हुए वीडियो ने एवं गांव वालों के प्रयास ने हमारे गांव की स्थिति में बदलाव लाया। हमारे गांव की स्थिति में बदलाव लाने के लिए हमारे खूंटी जिला के DFO श्री त्रिपाठी जी एवं अर्जुन बड़ाइक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे गांव वालों को जो सरकारी सहायता मिलनी थी 10,000 रुपये मिल गए, जिससे हम टॉर्च खरीद लिए और अब हमारे गाँव के लोग काफ़ी खुश हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें कॉल करके धन्यवाद दें। मैं अमित टोपनो, खूंटी जिला से, इंडिया नट के लिए।